जी तो दोस्तों, आ गया वो शाकार जिसका सबको था इंतज़ार। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? तो फ्रेंड्स, जिसका सबको इंतज़ार था वो आ गया है। मैं बात कर रहा हूँ 75 रुपये के नोट के बारे में, जो कि अगस्त के महीने में लॉन्च हुआ था और जिसके बारे में स्टेट बैंक ने कहा था कि वो 30 सितंबर को इसको आम पब्लिक के लिए जारी कर देगा। तो जनाब, ये नोट आज यानी 30 से मार्केट में और बैंक्स में दस्तियाब होगा। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसने 75 यानी 75 रुपये का नोट जारी किया है। तो ये काम हम पाकिस्तानी कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता। तो फ्रेंड्स, इसके फीचर्स और सिक्योरिटी फीचर्स के बारे में मैं पहले से एक वीडियो बना चुका हूँ, जो कि उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ये नई करेंसी आज यानी 30 सितंबर से स्टेट बैंक ने जारी कर दिया और आम बैंकों यानी कमर्शियल बैंक तक पहुँच चुकी है, जो कि आम पब्लिक के लिए भी दस्तियाब होगी। अब मसला यह है कि इस नोट के बारे में शुरू में हम लोग आदी नहीं होंगे और गिनने में भी हमें परेशानी आएंगी, क्योंकि ये अपनी तर्ज का एक बिल्कुल ही अनोखा नोट है और जिसको समझने के लिए हमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो चलें एक नज़र देखते हैं कि अगर 75 के कितने कितने नोट होते हैं, कितनी रकम बनेगी। आमतौर पर तो हमारे पास 10, 20, 100, 50, 500, 1000 के नोट हैं, जिनको गिनना अब इजी था, बहुत ही आसान था, हम लोग आदि भी हो चुके थे। तो हम अभी 75 के नोट के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम देखते हैं जनाब कितनी कितनी अमाउंट बनती है, और शुरू में हमें जो परेशानी आएंगी वो अभी हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। अब ऐसे है कि अब हमें पहाड़े याद करने पे टेबल याद करने पड़ेंगे। 75 के दो नोट होंगे तो 150 बनेगा, अगर तीसरा नोट ऐड होगा तो 225, अगर चार नोट होंगे तो 300, पाँच नोट होंगे तो 375, छः नोट होंगे तो 450, सात नोट होंगे तो 525, आठ नोट होंगे तो 600, नौ नोट होंगे तो 675। इसी तरह अगर 10 नोट होंगे तो 750 यानी 750 रुपये होंगे। तो ये शुरू में तो बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ेगा हमें। आम दुकानों पे बकाया लेते हुए या किसी तरह भी हमें जो परेशानी आएंगी, लेकिन चलें आस्ते आस्ते हम लोग आदी हो जाएंगे और ये चीज़ें हमें याद हो जाएंगी। एक चीज़ अच्छी भी है कि ये नोट पहले से हमारी जो करेंसी है उन नोटों से काफ़ी बेहतर है, और कायदे आज़म की तस्वीरों के अलावा बाकी सब के भी पोर्ट्रेट हैं, अलामा इकबाल, मादरे मिल्लत और सर सैयद अहमद ख़ान। एक अच्छी बात भी है कि हमारे करेंसी नोट्स में एक नया नोट ऐड हो चुका है। तो क्या ये थी आज की वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें नए आने वाले लोग, और वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।